गरियाबंद पहुंचे पूर्व मंत्री पूनम चंद्राकर ने कहा कि केंद्र से भेजा राशन जनता तक पहुंचाने से रोका जा रहा। वहीं पूर्व विधायक तथा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नवीन मार्कांडे ने भाजपा द्वारा राशन दुकानों तथा एसडीएम कार्यालय के बाहर किए जाने वाले प्रदर्शन की रूपरेखा बताई। गरियाबंद में मंगलवार दोपहर भाजपा ने एक पत्रकार वार्ता लेते हुए प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में गरीबों के लिए भेजे गए राशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा कल से इसके खिलाफ अभियान प्रारंभ करेगी, जिसके तहत राशन दुकानों के समक्ष धरना प्रदर्शन होगा। वहीं एसडीएम ऑफिस के बाहर भी कई तरह से प्रदर्शन करने की बात भाजपाइयों ने कही। प्रेस वार्ता लेने के लिए विशेष रूप से प्रदेश कार्य समिति से पूनम चंद्राकर तथा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कांडे पहुंचे थे। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा भेजा हुआ लाखों टन चावल वितरण नहीं किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बड़े अफसरों की बात है कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए चावल में भी सरकार ने गड़बड़ी कर दिया। भाजपा द्वारा बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद भी लोगों के लिए भेजा गया राशन अब तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। मांग से अधिक केंद्र सरकार द्वारा तमाम चावल आवंटन कर दिया गया, लेकिन अन्य तमाम केंद्रीय योजनाओं की तरह ही इसका लाभ भी जनता तक नहीं पहुंचाया गया। नवीन मार्कांडे तथा पूनम चंद्राकर ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र से हर महीने 1,385,000 टन अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल प्रति महीने की मान से मिलता था, लेकिन 1.5 करोड़ गरीबों के मुंह से निवाला छीना है। उन्होंने बताया कि भाजपा यह मांग करती है कि केंद्र द्वारा आवंटित अतिरिक्त चावल का दाना दाना हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए। अभी तक जो चावल नहीं दिए गए हैं उसका नगद भुगतान किए जाए, अन्यथा कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे। अपने इन मांगों को लेकर भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन खड़े करने जा रही है। कल से ही आंदोलन प्रारंभ होंगे। गरियाबंद जिले में 7 एवं 8 अक्टूबर को राजिम तथा विंद्रा नवागढ़ विधानसभा में राशन दुकानों के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसी तरह 11 एवं 12 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। जिले की सभी 334 राशन दुकानों के बाहर प्रदर्शन करते भाजपाई नजर आएंगे। कुल मिला के 1.5 करोड़ परिवार को राशन नहीं मिला, और इसी मुद्दे को लेकर पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी राशन दुकान है, खास करके हम लोग यहाँ गरियाबंद जिले में आए हैं, तो यहाँ पर 342 दुकान है राशन की। उसमें हम लोग का धरना का कार्यक्रम है कि उस गरीबों का हक मिले। उसको जो राशन नहीं मिला है 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से, उसका पिछले समय का 45 किलो, 9 महीने का, इस समय का 7 महीने के हिसाब से 35 किलो, कुल मिला के 90 किलो चावल उन लोग को मिलना चाहिए एक एक व्यक्ति को। वो उसका अधिकार का हनन हो रहा है, और ये सरकार घोटाला कर रहा है, चावल घोटाला कर रहा है। उसमें पूरा 1500 करोड़ रुपये का चावल पूरा छत्तीसगढ़ में जो मिलना था गरीबों को नहीं मिला, और उसके लिए 7-8 तारीख को पूरा हम लोग ने राशन दुकान में धरना प्रदर्शन होगा। उसके बाद 11-12 तारीख को पूरे एसडीएम कार्यालय में वहाँ पर घेरा होगी, और हमको पूरा आम जनता को उसको जागरूक करना है कि आपका अधिकार छीना जा रहा है। कि छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण के रूप में जो राशन देने वाले थे, उस राशन में बड़ा घोटाला किया है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए की यह बड़ा घोटाला है। और इसमें जो राशन गरीब जनता को मिलना था वो नहीं दिया जा रहा है, और इसके लिए हम राज्य सरकार के राशन दुकानों पर धरना देकर यह मांग कर रहे हैं कि इस पर जांच हो, और जांच के बाद जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, और शासन अगर इस तरह से जो भ्रष्टाचार गरीब जनता का हक मार रहा है उसको इस्तीफा देना चाहिए सरकार को।